हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। मैं PEO एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा, इसलिए मैंने दो चर रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाए, कैसे आप लोगों को समझाया जाए, उस पर मैंने 20 से 22 क्वेश्चंस बनाए हैं, जो अति संभावित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सबको यहाँ पे रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला है एक रैखिक समीकरण का घात। तो जो भी रैखिक समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है, AX प्लस बी इस प्रकार से। तो याद रखना, सदैव रैखिक की घात सदैव एक होती, परिभाषा भी उसकी यही है कि कोई भी अगर रैखिक समीकरण है तो उसकी घात सदैव एक होती है। ये बात पहले हो चुकी है। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 निकाय। यानी ये कैसे, ये इसके हल कैसे होंगे। तो इस संदर्भ में आपको मैं तीन कंडीशंस बताता हूँ जिन्हें आप याद रखेंगे तो आगे के सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन हमारी बनती है कि अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन हो, जैसे AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इसमें सब में 1 लगा दें, और दूसरा अगर हो A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस आएंगी। पहला कंडीशन होगा A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसा है कि इसका A1 और इसका A2, इसका V1 और इसका V2 दोनों बराबर नहीं है, तो इसके जो मूल, जो इसके हल होंगे वो अद्वितीय होंगे, यानी यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे या फिर ये यूनिक होंगे। और ये इसकी जो कंडीशंस है वो कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे एक ये और ये की, कहीं एक जगह काट रही होंगे, यानी दोनों रेखाएं कहीं प्रतिच्छेदित कर रही होंगी। अगली जो मैंने दोनों लिखी थी उसकी अगली ये कंडीशन हो सकता है कि ये A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और C1 अपान C2 हो। अगर तीनों गुणांक बराबर हो जाते हैं तो ये कंडीशन उस केस में होती है। अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी यही होगी, यानी दोनों लाइन आपस में संपाती होंगी, और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या असंख्य सॉल्यूशन होंगे या अनंत सॉल्यूशन होंगे। यानी अगर ये कंडीशन, अगर तीनों उसके कोफिशियंट्स इक्वल हैं, उनका अनुपात, तो ये सदैव हमारी जो है ये संपाती रेखाएं होंगी और ये जो है मैनी सॉल्यूशंस इंगित करेगा। चलिए, अगली जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी कंडीशन है, जान लेना चाहिए। वो कंडीशन है कि अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 हो बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दो रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं, आपस में कहीं नहीं काटती। ऐसे केस में ये कोई हल नहीं होगा और दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। कहने का मतलब, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। यानी हमने आपके सामने तीन कंडीशंस रखी, वो तीन कंडीशंस कौन थी? एक था A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये बताता है अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा x का और एक y का, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी मैंने आपको कंडीशन बताई, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें मैंने बताया ये एक ही रेखा आपकी होगी और एक ही रेखा के ऊपर, मतलब दोनों एक ही पर होंगी, संपाती होंगी। इसमें देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या मैनी सॉल्यूशंस। अगला मैंने कंडीशन बताया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन आपकी होती है ऐसी दो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती हैं समानांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। देयर विल बी नो सॉल्यूशन, यानी इसमें कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए, इसके कंडीशन के आधार पे मैं दूसरे क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। तो पहला देखिए, यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 बटे दूसरे में देखिए 4 है बराबर, फिर 3 है बटे 6 हो जाएगा
इक्वल टू 5/9। यानी ये दोनों तो देखें बराबर हैं, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 5/9। यानी ये कंडीशन आपकी कौन सी है जिसमें दो तो बराबर है लेकिन तीसरा, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समानांतर होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर इसका आ जाएगा कोई, जो दूसरा वाला है इसका मतलब इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई भी इसका सलूशन नहीं होगा और इस कोई हल, हाँ सॉरी, ये कोई हल नहीं होगा यहाँ से। तो इसमें देखिए असंगत, परिचित, अनेक तो हो नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ से आप यहाँ पे आप डी ऑप्शन को चॉइस बी वाले ऑप्शन को लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण इतने और इतने संपाती होंगे। संपाती का मतलब होता है कि दोनों समीकरण जो है, दोनों जो लाइंस हैं वो एक ही पे बनेगी, अर्थात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक यहाँ से आप देखें 1 है, दूसरे में x का 2 है इक्वल टू, फिर y का 2 है और यहाँ से y की जगह k है और इक्वल टू होना चाहिए आपका 7/14। तो किन्हीं को दो ले लीजिए आप, यहाँ से 7 1 7 2 14, तो के बन जा के 2 2 4। इसका मतलब अगर संपाती है तो के की वैल्यू यहाँ पर 4 होनी चाहिए, अर्थात 4 यहाँ पर सी वाला। ये देखिए, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद 4x² - 4x + 4 के मूलों का गुणनफल। ये चूंकि पहले कर चुके हैं तो कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल होता है α β = c/a। तो यहाँ पर c हमारा 1 है और a की जगह यहाँ 4 है, तो 1/4 अर्थात यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 5, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब एक रैखिक युग्म, ये देखिए दोनों ऐसे और ऐसे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, मैं आपको ग्राफ से भी समझा दे रहा हूँ। दो रैखिक समीकरणों के आरेख समानांतर हैं तब रैखिक युग्म, अगर भैया समानांतर हुए तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। 6 का आप ए लगा दीजिए। 7वां देखिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, समीकरण इतने के, तो हमने बता चुका हूँ कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये आपकी कंडीशन होगी, कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, इस केस में इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहां से इसका जो सही आंसर निकल के आ गया वो आपका ए वाला होगा। ये कंडीशन आपको तीनों साहब याद रखनी है। चलिए बढ़ता हूं आगे, चलिए ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0, 1 0 हल होगा, यानी 0 से अगर बड़ा हल है तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते। तो देखिए एक लाइन में अगर मैं इसको सॉल्यूशन आपको करके दिखाना चाहूँ, तो ये हमारा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, पहली क्वेश्चन हमारी है ax + 10y = 0। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन में 5y आया, तो इसको मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ इस वाली समीकरण, तो क्या हो जाएगा 4x + 10y = ये भी हो गया 0। अब दोनों घटा दीजिए, माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, तो यहाँ से देखिए x कॉमन कर लें तो हो जाएगा a-4 = 0, तो a-4 = 0, तो a = हो जाएगा 4। यानी अगर a की यहाँ पे 4 वैल्यू होगी, a की यहाँ पर 4 वैल्यू होगी तो 69 आपका एक हल होगा, यानी a की वैल्यू 4 यहाँ पे निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है
एक के किस मान के लिए समीकरण इतने और इतने के मान अद्वितीय हल होंगे? तो अद्वितीय हल के लिए मैं बता चुका हूँ, ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, अर्थात ए अपान यहाँ से ए लिया और यहाँ पे छः लेना पड़ेगा, डज नॉट इक्वल टू इसमें माइनस वन और यहाँ से माइनस टू है, तो माइनस माइनस दोनों ये प्लस हो जाएंगे, तो आप टू ए डज नॉट इक्वल टू सिक्स, तो ए बराबर डज नॉट इक्वल टू सिक्स बाई टू यानी थ्री, यानी ए की वैल्यू थ्री नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखता हूँ, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतने और इतने के अनगिनत हल हों, अनगिनत हल के लिए आपको मैंने पहले बताया था मैनी सॉल्यूशन यानी सभी गुणांक बराबर हों, ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों के लिए, तो पहले में है 10 और यहाँ से x में दूसरा है 20 बराबर, फिर है देखिए 5 अपान ये है 10 इक्वल टू ये आपका a माइनस 5 बटे आपका a है, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं अगर यही ले लेता हूँ, 5 एकम 5 पाँच दो 10 काट दीजिए तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू a माइनस 5 बटे a, तो a से गुणा कर देंगे तो a बराबर 2a माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से a इक्वल टू 10। देखिए तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। समीकरण निकाय इतने और इतने के अनगिनत हल हों तो k का मान क्या होगा, प्लीज इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इसका आंसर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा जिससे मैं आपको उत्तर बता सकूँ, इसको बहुत जल्दी हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको हमने घर के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होगा, ये दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी ऑप्शन यहां से बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण निकाय इतने और इतने का किस प्रकार का हल संभव है, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले में देखिए ए वन की जगह है हमारा 5, चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ से 5 बटे और इसका है बटे 6 इक्वल टू लगाने का मैं साइन लगाना चाह रहा हूँ, तो माइनस 3 बटे है आपका 1। तो पहली बात तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके अद्वितीय हल होंगे और दोनों ही वास्तविक हल आएंगे, तो यानी यहाँ से ऑप्शन आपका वास्तविक मतलब संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये निकल के आ गया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की पहचान क्या है, ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, ये देख रहे होंगे बराबर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब मैं कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, फिर वैसे ही हैं। समीकरण 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5 वाई इक्वल टू 7 में अचर ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू। ए वन हमारा यहाँ पे है 2 अपान यहाँ हो जाएगा 3 डज नॉट इक्वल टू ए अपान माइनस 5, तो ए 3 एकम 3 ए डज नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10, इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू माइनस 10 अपान 3, इसका मतलब यहाँ से हमारा ऑप्शन ये बी वाला सही आ गया कि ए की जो वैल्यू है वो कभी भी ए की 10 माइनस 10 बाई 3 नहीं हो सकती। समीकरण निकाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल के लिए ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला है समीकरण x प्लस टू वाई इक्वल टू 9 और x बराबर 5 हो तो y की वैल्यू, तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू हम 5 रख लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा और प्लस टू वाई इक्वल टू 9,
तो 2y इक्वल टू 9 माइनस 5 ही हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू 4 दूनी 8 यानी 2, यानी यहाँ से b आपका ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही निकलेगा। अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण के आरेख एक बिंदु पर काटें तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा, यानी वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होंगे, तो ये इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे। अगला देखिए, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो, यानी दोनों एक ही पे हों दोनों रेखाएं, तो उसके अनगिनत हल होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला है 19वां, युग्म समीकरण इतने और इतने के अनंत हल होंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ अनंत हल होने के लिए उनकी कंडीशन है कि वो तीनों उनके जो गुणांक हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगले पेज पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए मैं देखता हूँ, तो अगला हमारा जो प्रश्न था कि उसमें संपाति होने के लिए कंडीशन है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन एक रैखिक है। रैखिक होने के लिए x का जो x की पावर है वो केवल एक होनी चाहिए, यानी b वाले में देखेंगे 5x प्लस 4 इक्वल टू 8, इसमें x इसमें स्क्वायर है, ये हो ही नहीं सकता, ये द्विघात हो गई, इसको x से गुणा करेंगे स्क्वायर में आ जाएगा, इसमें जब हम लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी हमारी रैखिक समीकरण 5x प्लस 4 इक्वल टू 8 है। अगला, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतने इतने का एकमात्र हल इतना है, तो अब आप यहां से कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए और k की वैल्यू आपकी निकल आएगी। जैसे आप इसमें वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा 2k इंटू 1 प्लस 7, और y की वैल्यू आपने दे रखी है -1, तो यानी 7 इंटू -1 -5 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा 2k -7 -5 इक्वल टू 0, तो 2k बराबर 7 5 12 इधर चला जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 6, यानी सी वाला बिल्कुल आपका सवाल सही होगा। अगला देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन, निम्न समीकरणों में इतने और इतने का कौन सा हल है, आप x और y की वैल्यू दोनों में पुट करिएगा, जो सही हो ये आपके लिए घर के लिए है। अगला 23वां, यदि 2k माइनस 1 और k समीकरण इतने के हल हों तो k का मान, यानी x की जगह आप ये रख दीजिए, y की जगह ये रख दीजिए, जो k की वैल्यू निकलेगी वही आपका आंसर होगा, ये भी आपके लिए घर के लिए है, जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आपके लिए कठिन हो। आखिरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर, आप रैखिक समीकरण इतने और इतने का, अब आप यहाँ से देखिए सबकी तुलना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान यहाँ से 3 और b की वैल्यू है 2 अपान ये आ जाएगा 12। अब आप अगर देखें तो ये भी आपस में बराबर नहीं हैं, इसका मतलब ये जो है एकल हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ से 24, मतलब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। तो ये हमारे थे आज के 24 क्वेश्चन, जो ये 22वां और 23वें दोनों क्वेश्चन हैं, आप इस प्रकार के भी क्वेश्चन पिछली बार बीओ में आए थे, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग इनका कमेंट करें और मैं इनका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा, अगर नहीं आपसे आता है तो। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो कर दीजिए लाइक, और पहली बार आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम।